तकरीर के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद हसन साजद बिन कारी अब्दुल लतीफ़, जिनका मौजू है नाफरमान मुस्तफ़ा का अंजाम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा, अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन मोहतरम और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वो है नाफरमान मुस्तफ़ा। हज़रात, जो शख्स भी रसूल वक़्त का नाफरमान हुआ, इसको अज़ाब खुदाबंदी में मुबतला किया गया। रसूल वक़्त का नाफरमान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनआन क्यों ना हो, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करने वाला फ़िरऔन क्यों ना हो, वो अमामुल अंबिया का हकीकी चाचा अबू तालब क्यों ना हो, अगर वो अपने ज़माने और अपने दौर के नबी का नाफरमान है तो रब्बुल इज़्ज़त की गरीब और अजाब से कोई नहीं बचा सकता। हज़रात, शिरक की मुज़म्मत के बाद सबसे ज़्यादा मुज़म्मत अल्लाह ताला के रसूल के नाफरमान की गई है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान का शोबा बयान करते हुए फरमाया कि ऐस किसी मोमिन मर्द या किसी मोमिन औरत को गुंजाइश नहीं कि वो अल्लाह ताला के रसूल का कलमा पढ़ने के बाद दीनी मामलात में अपनी मर्जी, अपनी सोच और अपने फ़ैसले को अहमियत दे, बल्कि ईमान वालों का शोबा यह है मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें यह सफाई हो, इधर फरमाने पैगंबर हो उधर गर्दन झुकाई हो। हज़रात, इन लोगों को अल्लाह ताला के दर्दनाक अजाब से डरना चाहिए जो सुनते रसूल को छोड़कर बिद्दत को अपनाते हैं और तहीद को छोड़कर शिरक को अपनाते हैं। पैगंबर कर दे जो हुक्म, करने को झुक जाओ। पैगंबर रोक दे जिस काम से, फिलफू रुक जाओ। खिलाफ़े राह पैगंबर जो भी कदम उठाएगा न रास्ता न देखेगा न मंजिल न पाएगा। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।